What's up guys, this is Sumit Rana. Dear friends, today is my 17th day of yoga practice. और आज दोस्तों मैं पांच ऐसे योग अभ्यास लेकर आया हूँ जो आपके हाइट को ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा. दोस्तों इस योग अभ्यास के द्वारा मैंने विद इन 3 मंथ्स 3 सेंटीमीटर हाइट अपनी बढ़ाई है. तो दोस्तों यदि आप लोगों की हाइट रुकी हुई है या जिन बच्चों की हाइट किसी कारणवश न्यूट्रिशन की वजह से स्ट्रेच ना होने की वजह से बोन डेंसिटी कम होने की वजह से हाइट रुक गई है या जो लोग 18 से 20 की एज में हैं और उनकी हाइट रुकी हुई है तो आप निश्चित तौर पर इस 5 योग अभ्यास को करके अपनी हाइट को ग्रोथ कर सकते हैं. तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो नाउ अब जो हमारा पहला योग अभ्यास है वो है ताड़ासन. दोस्तों ताड़ासन से हमारी होल बॉडी का स्ट्रेच हो जाता है. जितने भी होल बॉडी में बोन्स हैं वो सारे स्ट्रेच होते हैं. तो हाइट ग्रोथ के लिए बोन्स का स्ट्रेच होना बहुत ही जरूरी है. ताड़ासन के लिए आप सबसे पहले सावधान मुद्रा में आ जाएंगे. तत्पश्चात धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को भरेंगे. सांस को भरते हुए अपने एरी को भी उठाना है आपको और एरी को उठाकर दोनों हाथों से पंजों को आपस में फंसा लेना है. फिर इसको ऊपर स्ट्रेच करना है और सांस को रोके रखना है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक. ऐसे खिंचाव करना है. आप चाहें तो अपने हेड को अपने आँख से ऊपर आसमान की तरफ देख सकते हैं. फिर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए सबसे पहले आप सावधान खड़े हो जाएंगे. तत्पश्चात दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और टोक के बाद आ जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर दोनों पंजों को आपस में फंसा लेंगे. फिर स्ट्रेच करेंगे बॉडी को और होल्ड करना है 1 से 2 मिनट. जितनी देर तक आप होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा. पुनः करेंगे. इसको 3 से 5 बार कीजिए और 3 से 5 बार में 1-1 मिनट होल्ड करना है. जितना मैक्सिमम हो सके आपको होल्ड करना है. नाउ फ्रेंड्स अब जो हमारा दूसरा योग अभ्यास है वो है पश्चिमोत्तासन. दोस्तों पश्चिमोत्तासन का हाइट ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि ये हमारे जो लेग्स हैं साथ ही जो हमारा ये हिप्स का एरिया है यहाँ पे जो भी बोन्स होते हैं इसका स्ट्रेच बहुत ही अच्छे से ये कर देता है. तो पश्चिमोत्तासन के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों पैर को सीधे करके बैठ जाएंगे सामने की तरफ. तत्पश्चात दोनों हाथों को अपने गोद पे रख लेंगे दोनों हाथों के पंजों को. तत्पश्चात धीरे धीरे दोनों हाथों को फैलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस भरेंगे. तत्पश्चात धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे झुकाते हुए और सांस बाहर निकालेंगे. साथ ही अंगूठे को पकड़ लेंगे पैर के और अपने नाक को घुटने से टच करना है और सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे. पुनः इस प्रक्रिया को करना है आपको 3 से 5 बार इस प्रक्रिया को करना है और जितनी देर हो सके आपको इसको भी होल्ड करना है. नाउ फ्रेंड्स अब जो हमारा तीसरा योग अभ्यास है वो है पादहस्तासन. इसके लिए आप सबसे पहले सावधान खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर चलाते हुए तो के पास जमीन को टच करना है और अपने सिर को और अपने नाक को घुटने से टच कराना है. सबसे पहले आप सावधान खड़े हो जाएंगे. तत्पश्चात दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथ के कंधे को जमीन से टच कराएंगे और अपने सिर को घुटने से टच कराने की कोशिश करें जितना हो सके.
और इस स्थिति को भी एक से दो मिनट होल्ड करना। नाउ फ्रेंड्स, अब जो हमारा फोर्थ योग अभ्यास है वो है कैट पोज। इसको हिंदी में मार्जासन भी कहते हैं, कैट पोजेस या मार्जासन। इसके लिए आप सबसे पहले दोनों हाथ के पंजे के बाद आप दोनों पैर के घुटनों के बल कैट पोज में आ जाएंगे। इसके बाद आप अपने जो स्टमक है उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और हेड को ऊपर की तरफ लेंगे। डाउन डाउन। अब ये दूसरा कैट का जो अपोजिट पोज है दोस्तों, इस कैट पोज या मार्जासन से हमारी जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये बाकायदा अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। यदि आप धनुरासन या फिर चक्रासन कर सकते हैं तो वो और भी बेस्ट रहेगा। और यदि वो आप करने में असमर्थ हैं या फिर वो कठिन लगता है तो आप इस कैट पोजेस या मार्जासन को कर सकते हैं। ये भी उतना ही बेनिफिट होगा लगभग, लेकिन ये कहें कि 19-20 का फर्क थोड़ा सा है। नाउ फ्रेंड्स, अब जो हमारा है पांचवा और लास्ट वो है हमारे नेक के लिए, क्योंकि नेक की वजह से काफ़ी लोग की हाइट डाउन रहती है, क्योंकि नेक झुकी हुई होती है, वहाँ भी आधे सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर हाइट कम रहती है। तो आप यदि हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं तो नेक का जो पोज है, नेक का जो सही करेक्शन है उनका, तो वो सही रहना चाहिए। सबसे पहले सावधान हो जाएं, तत्पश्चात अपने नेक को ऊपर की तरफ जितना हो सके डाउन करेंगे, फिर आप ऊपर की तरफ डाउन आउट, इसको साइड भी कर सकते हैं साइड। डियर फ्रेंड्स, हम जो भी योग अभ्यास हाइट ग्रोथ के लिए करते हैं उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आता है, इसके साथ ही हमारी जो हड्डियां हैं उसमें खिंचाव आता है, उनके जो जॉइंट हैं वहां पर भी खिंचाव आता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो जंग लगा हुआ होता है एक तरह से हमारे जो हाइट ग्रोथ वाली जो जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं उस जंगों को हटाने का कार्य योग अभ्यास करते हैं, जिस वजह से हमारी हाइट बढ़ने लगती है। और दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि यदि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी जो पोज है वो थोड़ा सा झुका हुआ है या फिर किसी कारण बस लपटेड़ा है या कैसा भी है, तो ये योग अभ्यास करेक्ट करने में सही भूमिका निभाती है, जिस वजह से जब बॉडी की स्थिति सही हो जाती है तो भी हाइट बढ़ जाती है। और जो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस योग अभ्यास को करें, इसके साथ ही अपनी डाइट है उस पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि यदि डाइट में कमी रह गई तो भी हाइट रुकने का चांस हो सकता है। तो आप अपने डाइट में प्रोटीन को अच्छे से जरूर शामिल कीजिए, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दीजिए जो जिससे कि आपकी मांसपेशी और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो अच्छे से नोट हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के नया वीडियो